तरह ना स्मेल नहीं आती। अब इनको फ्राई करें। ये आप पोटे डाल के थोड़ी देर भुनेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मिनी किचन। आज हम बना रहे हैं मिनी पोटे। ये पोटे हैं, पर छोटा छोटा काट लिया है। ये है पड़े प्याज कटे हुए, टमाटर कटे हुए, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, लीमू, ये खुश्क धनिया, नमक, गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च। ठीक है, अब हम बनाते हैं। नए तरीके से बना रहे हैं, बहुत मज़े के बनेंगे। ये घी, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब पोटों को करना है हमने इन फ्राई। इसमें पहले ना इनको हमने सिरका लगा के थोड़ी देर रख दिया था, फिर धो लिए हैं। इस तरह ना स्मेल नहीं आती। अब इनको फ्राई करें। हल्की आंच पे इनको थोड़ी देर कर लेना फ्राई, उसके बाद हम बनाएंगे इनको। ये जो हमारे पोटे हो चुके हैं फ्राई, अब हम इनको निकाल लेते हैं और पकाना भी इसी घी के अंदर ही है। इसी में डाल देंगे प्याज। अब प्याज हो चुके हैं ब्राउन, अब हम लहसुन और अदरक डालेंगे। अब डालते हैं टमाटर। अब थोड़ी देर ढक्कन लगा के टमाटर गलने का इंतज़ार करते हैं। ये टमाटर अब गल चुके हैं, अब डालते हैं मसाले, नमक, धनिया, ये लाल मिर्च और ये गरम मसाला, ये हल्दी। ये आप पोटे डाल के थोड़ी देर भुनेंगे। ये अब इनकी भुनाई हो चुकी है, ये होते हैं थोड़े से सख्त। अब इनमें थोड़ा सा पानी डाल के
ये अब उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि गल जाए। खुशबूएं आ रही हैं। थोड़ी देर अब इसकी ऐसे ही बुनाई करनी है ताकि प्याज वगैरह अच्छी तरीके से हर चीज़ गल जाए और टेस्ट इसका डबल हो जाए। ये अब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, ये देखिए अब डालेंगे नमक। अब ये धनिया चलें जी, हमारे पोटे हो चुके हैं तैयार, हमारे नहीं मुर्गी के। अब इनको उतार लेते हैं, मतलब जो हम बना रहे हैं ना अपने मिनी किचन में पोटे, वो तैयार हो चुके हैं, अब हम उतार लेते हैं। और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, थोड़ा सा कमाल के बने पड़े हैं, खुशबू से पता चल जाता है कि सालन कैसा बना पड़ा है। ज़रूर आप अपने घर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़े के बनते हैं, डिफरेंट टेस्ट होता है इनका और आउट क्लास ज़बरदस्त रेसिपी है ये। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार बने हैं। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।